हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है और नॉर्मलाइजेशन का किस किस को फायदा मिलेगा, किस किस का नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से जो है एनटीए इस चीज को करता है। इससे पहले गाइज हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देते रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज देखिए, अगर आप एनटीए के थ्रू जो एनटीए ने जो स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको आपको रिलीज किया था, ये मैंने वही वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है और इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार खुद भी इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना। मैंने इसी चीज़ से यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से रहता है, परसेंटाइल स्कोर कैसे बनाते हैं और उसका जो रिजल्ट है किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। अब गाइस देखिए, इन्होंने एक कंप्लीट एग्जाम्पल लेकर के समझाया है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने बैठूँ तो ये जो एग्जाम्पल है मैथमेटिकल, इसमें कैलकुलेशन इतने बड़े लेवल पर करी गई हैं कि आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही मैथमेटिकली चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज किया गया है। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, एक आम भाषा में बताऊंगा, जिनको मैथ नहीं आती है या जिनको टफ लगती है मैथ, जिसको जो कि मैथमेटिकली नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, उनको मैं बिल्कुल ही आम भाषा में बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वैसे आप आपको अगर पढ़ना है ये मैथमेटिकली समझना है इस कंप्लीट प्रोसेस को, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार खुद भी पढ़ लेना तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। अब गाइस देखिए होता क्या है, हम मैं बिल्कुल ना नॉर्मल भाषा में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना गाइस। देखिए जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो होता है परसेंटाइल स्कोर के बेस पर, ऐसा एनटीए ने खुद बताया। परसेंटाइल का जो मतलब है वो ये है, दैट इज रैंक। रैंक के बेस पे परसेंटाइल स्कोर बनता है, ना कि परसेंटेज के बेस पे, मतलब आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं उस बेस पे नहीं बनता। ये बनता है आपकी रैंक के बेस पे कि आपकी रैंक कितनी आई है, और रैंक किस बेस पे बनेगी, आपके मार्क्स के बेस पे, कि आपने कितना स्कोर किया, समझ रहे हो। तो मार्क्स का यूज करके हम पहुंचते हैं रैंक पे और रैंक का यूज करते हैं हम परसेंटाइल बनाने में। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहता है। आपका ऐसा क्यों होता है, हम मार्क्स का क्यों यूज कर रहे हैं रैंक बनाने में और रैंक बनाना क्यों जरूरी है, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। देखिए होता यह है कि सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कॉमर्स का एग्जाम में अपियर किया। कॉमर्स का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है ना, 29 तारीख को हुआ था, दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके, और एक हुआ था आई थिंक 14 अक्टूबर के आसपास हुआ था और वो केवल मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हुआ था। तो मतलब 3 शिफ्ट हो गई, एक यहाँ पर, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई, 3 शिफ्ट हो गई अलग अलग कॉमर्स की। ऐसे आप दूसरे सब्जेक्ट का भी मान सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अब गाइस सपोज करो शिफ्ट 1 में यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट ने अपियर किया, शिफ्ट 2 में 50,000 स्टूडेंट ने अपियर किया और शिफ्ट 3 में 50,000 स्टूडेंट ने अपियर किया। एग्जाम्पल के तौर पर ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि एनटीए जो यहाँ पर डिवीजन करता है अलग अलग शिफ्ट में, वो यही ट्राई करते हैं, आई मीन ट्राई ही कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते बट ट्राई करते हैं कि इक्वल जो है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अलग अलग डिवाइड कर दिए जाएं। ऑन एंड जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी और जो कैटेगरी वाइज है उनका भी जो इक्वल प्रोपोर्शन है वो सभी में रखा जाए। ऐसा नहीं कि इसमें सारे सारे जनरल आ गए, इसमें ओबीसी आ गए, इसमें एससी आ गए, ऐसा नहीं होता। तीनों ही शिफ्ट में अगर 3 शिफ्ट में हुआ है या 2 शिफ्ट में हुआ है या 4 शिफ्ट में हुआ है, तो चारों शिफ्टों में वो ट्राई करते हैं कि सभी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल रखे जाएं और प्लस जो जनरल कैटेगरी ओबीसी एसटी हैं उनको भी इक्वल प्रोपोर्शन में रखा जाए, ऐसा ट्राई करते हैं वो। इसके बाद गाइस होता क्या है कि सपोज करो शिफ्ट 1 में एक स्टूडेंट ने स्कोर किया। अब ध्यान से सुनना सुनना बिकॉज यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। मैं ना इसको एक यहाँ पर ऐसे टैब बना लेता हूँ। ये सपोज करो शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 है और ये शिफ्ट 3 है, 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया एग्जाम्पल के तौर पर। आप गाइस सुनना, बहुत ध्यान से सुनना आपको इस चीज को। देखिए शिफ्ट 1 में जो काफी इजी रहा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी इजी था, और शिफ्ट 2 का जो है क्वेश्चन पेपर काफी टफ था, और शिफ्ट 3 जो थी उसमें मॉडरेट लेवल का था। अब जो मॉडरेट लेवल के और टफ लेवल के स्टूडेंट, ये तो भड़क जाएंगे, कहेंगे यार इनका तो काफी इजी बना दिया पेपर, हमारा तो पेपर काफी इजी बनाया ही नहीं इन्होंने, अब तो हम कैसे पास होंगे। तो गाइस देखिए यहां पर जो मार्क्स आपने स्कोर किया है ना, जो यहां पर मार्क्स स्कोर किया शिफ्ट 1 में, ऑब्वियसली बात इन्होंने ज्यादा ज्यादा नंबर स्कोर किए होंगे बिकॉज इनका पेपर इजी था। तो सपोज करो 300 में से इन्होंने स्कोर किया 220 नंबर का, एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर जो टॉपर है ना, जो नंबर 1 पे है, उसने इतना स्कोर किया, लेकिन शिफ्ट 2 में क्योंकि पेपर बहुत टफ था, इस वजह से इन्होंने जो इस वाली शिफ्ट का जो टॉपर है उसने स्कोर किया 200 नंबर का।
ठीक है, 200 नंबर का स्कोर किया, मतलब यहां से 20 नंबर कम इसने स्कोर किया और ये टॉपर है इस शिफ्ट का। क्यों? क्योंकि ये पेपर काफी टफ था और इस पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करें तो टॉपर जो है उसने 200 नंबर का स्कोर किया। और अगर हम बात करें शिफ्ट नंबर थर्ड की, तो यहां पर क्योंकि मॉडरेट लेवल का था तो इसमें इसने स्कोर किया 300 में से 205 नंबर का, इसने थोड़ा सा इससे ज्यादा स्कोर कर लिया बिकॉज मॉडरेट लेवल का था, लेकिन अभी भी इससे कम है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 220 नंबर इसने किया है तो इसका तो जेआरएफ हो जाएगा, इसने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया, इसने 205 किया है तो इसका नेट हो जाएगा, और इसने 200 किया है तो इसने तो ना तो इसका नेट होगा ना ही जेआरएफ होगा, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नहीं गाइज, ये बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं, बिकॉज यहां पर मार्क्स को लेकर के चीजें करी ही नहीं जाती। सुनना ध्यान से, यहां पर 220 नंबर है ना, क्योंकि ये मार्क्स हैं, इस मार्क्स के बेस पे रिजल्ट आता ही नहीं है। आता है रिजल्ट आपका परसेंटाइल के बेस पे। किस बेस पे आता है? परसेंटाइल के बेस पे। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो परसेंटाइल है वो बनती है आपकी रैंक के बेस पे। तो अब हमें रैंकिंग करनी है, हमें तीनों शिफ्ट की रैंकिंग को देखना है, हमें मार्क्स नहीं देखने हैं, हमें रैंकिंग को देखना है। अब रैंकिंग कैसे बनती है? रैंकिंग बनती है मार्क्स के बेस पे। जैसे एग्जाम्पल के तो अब मैं इस एग्जाम्पल में समझा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना गाइस। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर शिफ्ट टू में जो नंबर वन स्टूडेंट है वो कौन है? जिसका 200 नंबर है, इसका मतलब इसकी रैंक वन है। क्या है इसकी? इसकी रैंक वन है। शिफ्ट थर्ड में 205 नंबर पर टॉपर बन गया वो, इसकी भी रैंक वन है। और यहाँ पर 220 नंबर जिसका है उसकी भी रैंक वन है। अब रैंक वन और रैंक वन, इन तीनों ही बच्चों को उठा लिया जाएगा और इन तीनों ही बच्चों को जेआरएफ दे दिया जाएगा। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिल जाएगा, क्योंकि जेआरएफ का जो क्राइटेरिया होता है सभी को बताया कि अप्रॉक्स 2% के आसपास या किसी किसी सब्जेक्ट में 1% के आसपास जेआरएफ दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पर इसको भी जेआरएफ मिलेगा, इसको भी जेआरएफ मिलेगा और इसको भी जेआरएफ मिलेगा, समझ रहे हो? अभी क्यों हुआ? ये हुआ रैंक के बेस पर, क्योंकि रैंक जो शिफ्ट वन थी इसमें इसी की रैंक वन थी और इसमें इसकी रैंक वन थी, इसमें इसकी रैंक वन थी। तो अपनी अपनी शिफ्ट में आपका कॉम्पिटिशन है, आपको ओवरऑल कॉम्पिटिशन में ध्यान नहीं देना, समझ रहे हो? तो आपकी शिफ्ट में अगर पेपर टफ था और आपने अगर गंदे नंबर भी स्कोर किए हैं, मतलब अगर 300 में से अगर आपने 150 नंबर भी स्कोर कर लिए और दूसरी शिफ्ट में 300 में से 250 नंबर लेके बैठा हुआ बच्चा, तो इसको भी जेआरएफ मिलेगा और इसको भी जेआरएफ मिलेगा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि शिफ्ट वन में ये नंबर वन पे था, इसकी टॉप रैंक नंबर वन है, ये टॉपर था, और शिफ्ट टू में ये टॉपर था, इसकी रैंक वन है, तो दोनों को जेआरएफ मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं यहाँ पर। और ये जिस तरीके से मैंने आपको जेआरएफ का बताया है ऐसे ही नेट का होता है। नेट में क्या होता है कि नेट में टॉप 6% लिए जाते हैं, है ना? तो अलग अलग शिफ्ट के जो टॉप 6%, मतलब अलग अलग शिफ्ट के जो टॉपर्स है ना, जो टॉप 6% के बच्चे हैं उनको उठा लिया जाएगा और उनकी लिस्ट में टॉप 6% का जो है चुनाव, उसमें से टॉप 6% में जो बच्चे हैं वो चुन लिए जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर सपोज करो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू, यहां पर अगर इक्वल नंबर भी आ गए तब भी आपका नेट क्लियर नहीं होगा। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। और गाइज लास्ट ईयर ऐसा हुआ भी था, शिफ्ट वन में अगर आपने सपोज करो 300 में से 150 नंबर लेकर के आ गए और शिफ्ट में 300 में से 150 नंबर लेकर आ गए, इसका नेट क्वालिफाई हो गया, इसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब सुनना ध्यान से ऐसा क्यों होता है। मैंने जैसे कि बताया कि पेपर वन जो था वो इजी था, जो शिफ्ट वन थी वो इजी था, जो शिफ्ट वन था वो इजी था, और शिफ्ट टू जो था वो टफ था। तो टफ की वजह से इस वाले कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, मतलब जो सेकंड वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इजी की वजह से ये ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर गए, है ना? तो गाइस हुआ ये कि जब इनका टॉप 6% निकाला गया तो उसमें ये बच्चा शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि टॉप 6% में 200 नंबर वाले भी थे, 220 वाले भी थे, 250 नंबर वाले भी थे, क्योंकि पेपर ईजी था। तो टॉप 6% में ये बच्चा टॉप 6% तक पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर क्योंकि टफ था पेपर, तो इसमें 180 हाईएस्ट मार्क्स थे, इससे ज्यादा किसी ने स्कोर ही नहीं कर पाए। तो जब टॉप 6% की लिस्ट बनाई गई यहां पर, तो ये बच्चा उसमें चला गया, समझ लो 150 वाला जो था वो टॉप 6% में चला गया, तो इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। तो गाइज इस वजह से सेम नंबर लाने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बच्चे अलग अलग शिफ्ट से बिलोंग कर रहे थे। तो इस वजह से जो चीजें हैं वो इस तरीके से हो जाती हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, बहुत ही नॉर्मल चीजें, मैंने एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल देने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो एनटीए ने एग्जांपल दिया है वो काफी भारी भरकम था, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थे और परसेंटाइल बन रही बार बार, तो इसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों को, क्योंकि कई बच्चों की मैथ बहुत वीक होती है जिसमें की चीजें समझ में नहीं आती उन लोगों को। इस वजह से मैंने खुद का अपना छोटा सा एग्जांपल देकर आपको चीजें समझाने की कोशिश करी है। अब गाइस देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फायदा सभी को मिलेगा, आप किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे शिफ्ट वन हो, टू हो या थर्ड हो, कोई भी शिफ्ट में हो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। और अगर आपके नंबर कम आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, उसका ये रीजन है
कि क्योंकि अगर आपके शिफ्ट का पेपर टफ था बाकी शिफ्ट की कंपैरिजन में, तो आप टॉप 6% मैंने की काफी हाई चांस और आपका एग्जाम का आई मीन आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब गाइज आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने की। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करते रहना, आप रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा गाइज देखिए पेपर वन पेपर टू दोनों को अगर हम देखें तो दोनों की जो सिलेबस है काफी लेंथी सिलेबस होता है, दोनों का मिला के 20 यूनिट्स का आपका सिलेबस बन जाता है। और अगर आप सोचते हो कि लास्ट के 1 महीने 2 महीने में प्रिपेयर कर लोगे तो हो जाएगा एग्जाम, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अब एनटीए जो है काफी टफ पेपर बनाने लगा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ऐसे में लास्ट 1-2 महीने में अगर आप पढ़ के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो वो नहीं होने वाला, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम आपको 5-6 महीने देने ही पड़ेंगे तभी जाके आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। तो अगर गाइस अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप पर स्टार्ट कर सकते हो। अभी अपकमिंग सेशन के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, अप टू 60% आपको ऑफ दिया जा रहा है, 40% ऑलरेडी ऑफ था, 20% दिवाली पे आपको एक्स्ट्रा ऑफ दिया गया था, तो टोटल अप टू 60% आपको ऑफ दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। फटाफट से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन में और इसी एंड्रॉइड ऐप पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कंप्लीट बायलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चीजों को कवर किया हुआ है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड नोट्स अवेलेबल होंगे जिसको आप डाउनलोड करके बाद में भी रिविजन के लिए यूज कर सकते हो। सो गाइस कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। इसका लिंक आपको दे दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में, फटाफट से जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल करो और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लो, बिकॉज जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा और जितना जल्दी कोर्स फिनिश होगा उतना प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आपके एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत हाई हो जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी फ्रेंड्स को पता चले किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।